पे देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअली विचार तो नहीं आया, हमने ये गाने को ऐसे ही गुनगुना रहे थे तो ये इसने कहा कि भाई गाना तो बहुत अच्छा है और तरीका भी बहुत अच्छा है, कर दो, ये गाना बहुत फ़ायदा देगा। हमने कहा हमको या तुम दोनों को पर हमने कहा गा देते हैं, अब गाना अच्छा है देखते हैं। वैसे भी आजकल तो मशीन गाता है, लोग तो कहाँ गा रहे हैं, हम भी गा लेंगे। आपको क्या लगता है जहाज की जिस तरह से बाकी सिंगर्स को मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, उनके गानों को पसंद करते हैं, आपके गानों को लोग किस तरह से लेंगे? यार मेरी हर बात को मेरे चाहने वाले बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये इज्जत ये प्यार बख्शा है। और मुझे पता है कि मेरे 40 मिलियन 50 मिलियन तो फॉलोवर नहीं है लेकिन 3 मिलियन 50 मिलियन को काफ़ी पड़ते हैं। तो ऐसे 3 मिलियन हो जो 50 की बजा दे, क्या फ़ायदा 50 मिलियन हो और 3 की ना कर सके कुछ। तो मेरे चाहने वाले मेरी तरह ही है, एकदम पागल। गाना गाने से पहले आपने इसका कुछ रियाज या कुछ प्रैक्टिस वगैरह की थी? अरे मैं कोई सोनू निगम हो गया भाई यार, कोई प्रैक्टिस नहीं है। गाने को ऐसा चाहिए ही नहीं कुछ, इसको रियाज नहीं इसको एजाज चाहिए। अच्छा तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसने आपको इंस्पायर किया? नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं ये बादशाह और हनी सिंह गाते तो मैंने बोला मैं भी गा देता हूँ। मतलब बात नुसरत साहब की हो रफी साहब की हो तो अलग बात है, सिंगर वो है भाई किशोर कुमार मुकेश जी अरिजीत को थोड़ा थोड़ा मतलब वैसा तो नहीं, वो भी क्योंकि तब मशीन नहीं थे, तब तो भाई हर आर्टिस्ट लाइव बजाता था बेचारा, हर आर्टिस्ट अपनी कलाकारी दिखाता था, पियानो भी लाइव बजते थे, सारे म्यूजिशियन एक सिंक में बजाते थे। अभी तो क्या है सर एक लाइन गा दो बाजना नहीं हम इसको ठीक कर देंगे, वो हो जाता है सब। तो इंसानों का काम मशीन करने लगा है, इसीलिए फीलिंग्स मर गई है। नहीं तो पहले रफ़ी साहब जब गाते थे तो उनकी आवाज़ हमारी रूह के अंदर जाती थी, अरिजीत की कान में से ही बाहर चली जाती है। जिस तरह से कलाकार हो एक समाज सेवक हो तो आपके इस भारत में जो आपने एक नया चीज़ बनाई है कि मैं सिंगर बनूंगा तो इसमें आप कितना कामयाब होंगे? भाई मैं सिंगर बनने नहीं आया हूँ, मेरा एक आदत है भाई, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया मैं सबको सपोर्ट करूँगा। ये एक नया म्यूज़िक डायरेक्टर उभरता हुआ है, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, एक नया डायरेक्टर है, ये दोनों मुझे मानते हैं मुझे प्यार करते हैं। इन्होंने कहा भाई म्यूज़िक वीडियो आप करो, हमने कहा चलो अगर हमारे करने से तुम लोगों का कोई फ़ायदा होता है तो हम खड़े रहेंगे, हम सलमान भाई थोड़ी है। ये एक्चुअली ये गाना जो भाई के स्टाइल का ही है, इसके एक्सप्रेशन सॉन्ग ये सिंगर वाला सॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एनर्जेटिक है एक्शन, इनकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ये गाना बाहर लाता है और लिरिकली भी भाई ने लिखा है बहुत ही बेहतरीन है, एक कन्विंस कर लिया। आपने गाना गाया क्या अभी आप दर्शकों को गा के सुना सकते हो? आपने कौन सा गाना गाया उसके क्या? वैसे दर्शक बहुत बार सुन चुके हैं, मैंने कहीं ना कहीं गुनगुनाया, वो एक वेडिंग में गया था वहाँ गाया था ये गाना मैंने। अब म्यूजिक के साथ सुनोगे तो ज्यादा बेहतर है ना? दाऊद इब्राहिम के जो नेफ्यू है वो मेरे फैन है, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी शादी में कोई आए ना आए एजाज भाई आपको ज़रूर आना है। हमने कहा ठीक है भाई, तुम थोड़ी ना दाऊद इब्राहिम हो, हम तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे। तो हम गए उनकी शादी में और हमने गाना वहाँ गा दिया तो सारे ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा था ये गाना, ABP से लेके सारे BP, तो हमने वहाँ ये गाना गा दिया। और ये गाना मतलब हमने गाया भी ऐसी जगह पे कि वहाँ पे सारे डॉन लोग सारे भाई लोग बैठे थे, सब तालियां बजा रहे, हमने कहा भाई ये गाने में कुछ तो बात है, ये लोग पागल हो गए। उसके लिए भी लोग हमें कहते हैं कि तुम एक टेररिस्ट एक माफिया उनकी शादी में गए, हमने कहा भाई हम दाऊद इब्राहिम की शादी में थोड़ी गए थे भाई, देखो हम हिंदुस्तान में इस तरह से जज करते ना लोगों को यार, वो थोड़ी ना, वो तो एक बिजनेसमैन है, उसके मामा ने कुछ किया है उसमें उसका क्या लेना देना है,
और वो हमारा फैन है, अगर दाऊद भाई हमारे फैन होते तो हम उनसे भी मिल लेते हैं। ऐसा थोड़ी है, अगर हमें कोई प्यार करेगा हम उसे प्यार देंगे, चाहे वो कोई भी हो, फैन तो फैन होता है यार। गाने के बोल और गाके हम बता देते हैं। कॉलर पकड़ झटका दे, कान के नीचे फटका दे, और ले को पूछे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, फिर कोई तुझसे पंगा ना लेगा, जिससे डरे तू वो तुझसे डरेगा, मच मच क्यों करता है जितना समझता है, दुनिया नहीं इतनी भोली दे गोली, ढिचाओ ढिचाओ ढिचाओ। क्या बोलता है, मिका से तो अच्छा गाता हूँ ना। लिरिकली तो बहुत ही बेहतरीन है, तो म्यूजिकली लाना बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग है, तो उसको आपने अप्रोच कैसे किया? नहीं, हम एक गाना और साथ में कर रहे हैं जिसमें हम इनके साथ जुड़े, बहुत अच्छा गाना है ये, और हमारे बहुत ही अरफात भाई हमारे बहुत प्यारे, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने लिखे हुए हैं, अभी उनको अवार्ड भी मिला है, जिनका एक सबसे अच्छा गाना हमें वो लगता है, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला के लेके गलत में पता निकला, मैंने कहा एकदम सही बात कही है तुमने भाई। तो वो गाना हम लोग कर रहे थे, उसमें बीच में हम ये कहते, तो उन्होंने कहा भाई इसमें जब तक हरजीत जी डेट देते हैं मिल ही नहीं रहे, आजकल डायरेक्टर बन गए, अल्लाह तुम्हारा भला करे अरिजीत, कहाँ हो तुम, इतना अच्छा गाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहीं, हमने कहा हम उनके घर से जाके उठा लाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, कभी हमारे गाने नहीं गाएंगे वो, तो तुम बुला लेना, तुम गवा लेना। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि भाई करो, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे, और आज यहाँ बैठे आपके सामने, हम सिंगर नहीं है, हम कोई सोनू निगम नहीं है, हम एजाज हैं, और हम गाएंगे जितना हमसे गा सके हम, और ये उस तरीके से गाएंगे जिस तरीके से हम गाते हैं, ये बना भी इनकी स्टाइल से ही है। जैसे कि इनका स्टाइल है, तो आपने डायरेक्शन के लिए कितना मेहनत किया है इस गाने के लिए, कि किस तरह से इनको डायरेक्शन के लिए लेना है, क्योंकि इनका फोटे भी उसी तरह से है थोड़ा कि वो गाने में ढल जाएंगे, तो आपका कितना मेहनत? पहले तो एक्टर ये, बाद में पहले तो अपने भाई हैं, तो हम लोग ऑलरेडी है तुझे सलाम इंडिया मैं इनके साथ कर रहा था, तो उसी टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का कन्वर्सेशन होता था, तो इस टाइम पे इन्होंने लाइव किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने बोला ये गाना अपन करते हैं वीडियो बनाते हैं, तो इससे मैंने म्यूज़िक के लिए बात किया, क्योंकि इससे पहले मेरा गाना एक सेटिंग चल रहा था इसके साथ, तो मैंने ये गाने को प्रोग्राम किया, फिर सारी चीज़ें हम लोग अरेंज किया, एंड देन आज फाइनली रिकॉर्डिंग भी करेंगे और शूट भी करेंगे। पीछे ये आदमी से बचो, वैसे आने वाले फ्यूचर का बहुत अच्छा डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर है ये, नए लोगों को भी सुनो रे मेरे भाई, तुम्हारे कान नहीं पक जाते क्या, सर नहीं दर्द होता है तुमको, 25-25 साल से एक ही हीरो देख रहे हो तुम यार, हमारे मम्मी डैडी भी एक हीरो देखते हैं, हम भी वही देख रहे हैं भाई, सबको मौका दो। इसीलिए हिंदुस्तान यंगिस्तान होने के बाद भी नौकरी सबसे कम यहाँ पे है, जिसकी जो काबिलियत है उसको वो काम नहीं मिलता है, अबे हमको नहीं मिला तुम लोग को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगत सिंह ने उस लिए जान नहीं दी थी कि हम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे रहे और जो कुछ बोले उसको बोले, कॉन्ट्रोवर्सी किंग है ये पब्लिसिटी, अभी हम सच बोलते हैं और बोलते रहेंगे, कम से कम हमारा जनाजा भारी नहीं होगा, तुम तो साले बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि सच बोलो, हाँ बोलेंगे तुम्हारे बच्चे तुमसे सच, छोड़ो यार। थैंक यू आओ वन ऑन वन। अच्छा हुआ जुबैर के बारे में किसी ने नहीं पूछा, हमें गुस्सा आ जाता, नहीं हाँ वन एंड वन में हम बोलेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ गाने की बात करेंगे, हम इनसे सीख गए, ये जो मीडिया वालों ने हमें सिखा दिया इनको इस्तेमाल कैसे करते, ये हमें पहले करते थे अब हम इन्हें करेंगे। वैसे इनका काम तो हमारे लाइव से भी हो जाता है, हम लाइव करते हैं वहाँ से, ये लोग के सबके पोर्टल चल रहे हैं, जहाँ देखो हमने कहा ये तो हमने किया था, इतने सारे पोर्टल, तुम कुछ राइट्स निकालो यार इनके, कुछ नहीं तो हम क्लेम कर देंगे अभी। हाँ सर, आज आपका मतलब नया ऑडियो लॉन्च हो रहा है, मतलब एजाज भाई से लेके, मतलब आपको थॉट कैसा आया कि
इनको एजाज भाई को कन्विंस करना हो, एक्चुअली गाना कहीं लिरिक्स एजाज भाई ने लिखा हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें उनकी एक ढांचा भी थोड़ा सा गुनगुनाते रहते थे, तो उसको सही तरह से मैंने प्रेजेंट किया, फिर उनको म्यूजिकली सुनाया, उसके बाद एजाज भाई को एक्चुअली मैं वो गाना भी ना वो गाना उनके टाइप का ही है, टाइप का ही है। नहीं कि वो लिरिकली उन्होंने लिखा था ना, तो वो सुनाते थे, तो उन्होंने सुनाया देख दिया, तो वीडियो में भी था, तो मैंने बोला भाई इसका गाना एकदम परफेक्ट बन सकता है, तो इसको म्यूजिकली हम करते हैं। एक्चुअल में भाई ने बहुत पहले ये गाना गाया हुआ था ऑलरेडी, दाऊद इब्राहिम के भांजे की शादी में गाया हुआ, तो काफ़ी बवाल भी मचा था, तो सेकंड बार हम लोग शूट वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे भी भाई ने लाइव किया था एजाज भाई ने, तो हमने बोला कि इसको गाना अपन बनाते हैं और ख़ुद आप गाओ, तो बोले मैं गाऊँगा, मैं तो गा नहीं सकता। मैंने बोला आप इतना अच्छा गाते हो, तो ऑलरेडी रैपर वैपर आ रहे हैं, इस टाइप के ही रैपर आ रहे हैं जो ऑलरेडी नाम कर रहे हैं, बम्बैया रैपर कोई नहीं आया, तो हमने बोले कि बम्बैया रैपर आएगा, फर्स्ट टाइम कोई बम्बैया रैपर है जो इस टाइप का रैप करेगा और गाएगा, तो ये उनके हिसाब से गाना था, तो हम लोगों ने बोला भाई आप ही गाओ और आप ही वीडियो करो, आप ही सब कुछ करो तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने कन्विंस हुए धीरे धीरे, फिर हम लोग उस पर काम करना चालू किया, काफ़ी टाइम थोड़ा सा गया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं हुआ करता, क्योंकि वो शूटिंग वगैरह में बिज़ी रहते, तो ये गाना बना और आज फाइनली उसका रिकॉर्डिंग भी है और फाइनली नाइट में हम लोग शूट भी करेंगे, माशाल्लाह अल्लाह का करम है। डिफ़िकल्ट तो ऐसे नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिरिकली एकदम क्लियर थी मीटर वाइज और सारी, और सिर्फ ये इनके स्केल वाइज था कि सिंगर वाला स्केल रखना है कि एक आर्टिस्ट वाला, तो ये कहीं ना कहीं गाना एक्सप्रेशन वाला सॉन्ग है, जैसे काफ़ी पुराना काफ़ी एक्टर गा चुके गाना, शाहरुख खान ने गाया है, आमिर खान साहब ने गाया हुआ है, सभी लोगों ने ऐसे गाना, तो ये एजाज खान साहब का इनका गाना इस तरह से शूटेबल था एकदम गाना, तो एकदम परफेक्टली एकदम गया कंपोजिशन वाइज और सारी चीज़ों में, और इनका स्केल भी ऐसा रखा है कि आसानी से वो गा ले वैसा है। नहीं नहीं अभी रिकॉर्डिंग तो आज हो रही है, तो म्यूजिकली पार्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को वो एकदम जस्टिफाइड करना चाहिए। वैसे हम लोग म्यूजिक भी देंगे ताकि डेवलप हो उनकी पर्सनालिटी और डेवलप हो, क्योंकि जिस टाइप का लिरिक्स आपने सुना दे गोली, फिर उस टाइप का म्यूजिक भी आना चाहिए डंडन 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 डंडन, तो हाँ तो पब्लिक को थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसा खुश करने के लिए कुछ अच्छी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये भी एक म्यूज़िक में एक बड़े लोगों के साथ काम कर रहा था, इसको भी था इसके ऊपर भी प्रेशर था कि कुछ अच्छा करें अच्छा करें अच्छा करें, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा टाइम लगता है, तो आज टाइम लगा, लेकिन आज फाइनल ऐसा डे है कि हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और नाइट में हम लोग शूट भी करेंगे माशाल्लाह, और बहुत जल्दी एक दो हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह इसको रिलीज़ भी करेंगे। कैची सॉन्ग है और कैची सॉन्ग है, यूथ को बहुत बड़े इंटरेस्टिंग और आसानी से कोई भी गा लेगा, बिकॉज उसका स्केल है ना, हम तुम भी गा लोगे आसानी से, एकदम आसान है। नहीं नहीं आसानी तो है क्योंकि पता चल गया कि एजाज भाई गा सकते हैं और उनके टाइप का एक्सप्रेशन सॉन्ग है और एनर्जेटिक है, इंटेंस है, एकदम डार्क है, थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड है, सारी चीज़ें एकदम मज़ेदार सॉन्ग है, मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, आपको शर्म नहीं होगी कि आप सिंगर नहीं हो। वो चल रहा है हमारा एक गाना, मतलब अभी वो सिंगर डिसाइड नहीं, ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, नहीं 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 हम नाम नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि चीज़ें अभी होल्ड पर है, नाम किसी का लेना सही नहीं क्योंकि गाना किया है हमने, गाना बड़ा है, तो वो सिंगर को लेके हमने भेजा है, सारी चीज़ जो दोनों तरफा होती तो हम उसके बारे में कन्फर्मली बोल सकते हैं कि हाँ ये सिंगर लेना है नहीं लेना है या कोई सिंगर के साथ कर रहे हैं, तो चीज़ें होल्ड पर है। बाकी पर्सनली अभी मेरे जी म्यूज़िक से दो सिंगल ऑलरेडी रिलीज़ हुए, एक महीने पहले हुए, एक हमजुबा हो तुम और एक मेरे हौसलों को, और बाकी मेरे ये महीने में दो सिंगल्स और आ रहे जी म्यूज़िक से, और एजाज भाई वाला गाना अलग, और एक्चुअली मेरा टीवी बैकग्राउंड भी चलते रहता है, कलर्स पे एक शो आ रहा है सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसका बैकग्राउंड भी मैं कर रहा हूँ, ये चल रहा है साथ में। यस ये सिंगल्स बन रहा है जो भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सदा भाई है ना, ये वीडियो डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं पिक्चर में नहीं जा रहा है, इसको हम लोग सिंगल ट्रैक, आजकल जो आजकल हाँ आजकल का जो मॉडर्न जमाना चल गया है कि आठ आठ गाने नहीं आके एल्बम में, अब एक गाने आते हैं, तो क्योंकि एक गाने में क्या खर्चा भी ज़्यादा नहीं जाता है, आठ गाने बनाना आठ फिर हीरो हीरोइन फिर बहुत खर्चा हो जाता था, प्रोड्यूसर को आना जाना कुछ नहीं क्योंकि कंपनियां सब लूट खा लेती हैं, उनको कुछ देना होना होता नहीं है, है ना, म्यूज़िक डायरेक्टर बेचारे को रॉयल्टी थोड़ा बहुत मिल जाती है लिरिक्स राइटर को, बाकी प्रोड्यूसर को कुछ तो मिलता नहीं है, तो इसलिए क्या आजकल सिंगल गाने का ज़माना आ गया भाई, सिंगल है जिसमें जितना दम है वही बाजीराव सिंगम है और कुछ है नहीं भाई, है ना, तो यही है और कुछ है नहीं, तो ये हम लोग गाना बना रहे हैं इंशाल्लाह और गाना अच्छा जाएगा।
एक्चुअल में मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी वेर इज़ नजीब, जिससे मुझे काफ़ी पहचान भी मिली, और मुझे दुख इस बात का है कि अभी एक साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, हमारी सीबीआई है, हमारी दिल्ली पुलिस है, एक साल हो गया लेकिन अभी उसे ढूंढ नहीं लाई, और उसकी माँ कितना परेशान है। आज नजीब जैसे तो बहुत सारे नजीब गायब हो रहे हैं और गायब होते रहेंगे, हिंदुस्तान चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि 100 सालों से ऐसे चलता आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर बदलना है, अगर चेंज करना है तो हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे आज नजीब की माँ को जो सपोर्ट कर रहे हैं जेएनयू के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ और भी हैं जो तरह तरह की संस्थाएँ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, छोटी मोटी संस्थाएँ हैं जो बच्चों को लेके काम करती, वो कभी नहीं सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अगर वो सपोर्ट करते, सरकार पे प्रेशर बनाते, जो बड़े बड़े एनजीओ है, तो आज नजीब वापस आ जाता। एक साल हो गया नजीब को गायब हुए लेकिन नजीब अभी तक वापस नहीं आया है और ना ही उसकी कोई खबर है। मीडिया उसको अलग अलग तरीके से पेश कर देती क्योंकि मसाले की ज़रूरत पड़ती है। उस माँ का दर्द नहीं दिखाए हैं जो कल पुलिस वाले उसे घसीट के लेके जा रहे हैं। एक साल पहले भी ऐसे घसीट के लेके गए थे जब वो प्रदर्शन करने उतरी थी। आज एक साल उस बच्चे को गायब हो गया, आज एक साल बाद भी सेम उसी तरीके से घसीटा जा रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं क्योंकि हम नहीं आगे आ रहे हैं। कल का मेरा भाई गायब होगा, कोई आगे नहीं आएगा। तो मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से सब दोस्तों और यारों, जितने यूथ है या फिर जितनी हिंदुस्तान की जनता है, उनसे बोलना चाहता हूँ, भैया अपने घरों से निकलो और उस नजीब के लिए लड़ो, नहीं तो आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं। और आप जानते हो कि बाजू का कुछ हो जाता है तो सुनने नहीं आता है, आप तो बहुत दूर रहते हैं तो कहाँ से कोई आएगा। तो उस माँ के लिए, क्योंकि आज उस माँ ने एक इतिहास लिख दिया है, जिस तरीके से मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, उस टाइप के आज इस माँ ने इतिहास रखा क्योंकि अपने बच्चे के लिए लड़ी। ऐसे बहुत सारे बच्चे गायब हो जाए लेकिन माँ फिक्र नहीं करती, वो अपने किसी तरीके से जी लेती है, लेकिन आज उस माँ ने इतिहास रच दिया है। आज वो जिंदा हालत में रानी लक्ष्मीबाई है, जो अपने उस टाइम पे अपने राज के लिए उन्होंने जो कुछ किया, ये अपने बच्चे के लिए कर रही है। मैं सलाम करता हूँ इस माँ को, सलूट है, पूरे हिंदुस्तान को सलूट करना चाहिए इस माँ को जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। और मैं सरकार से, मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, सीबीआई पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पे बेहद ठोस कदम उठाएं क्योंकि एक साल हो गया है, आपकी नाकामी यही बता रही है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो आप ये गुस्सा, यूथ का जो गुस्सा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, कहीं ये आपके ऊपर ना आ जाए, इससे पहले आप कुछ ऐसा कदम उठाओ, नहीं तो ये सिकंदर का गुरूर नहीं टिका तो आपका क्या है। 5 साल में हर किसी की सरकार आती और जाती रहेगी, आप भी चले जाओगे, तो कुछ नाम करके जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ, उस माँ के बारे में बोलो ताकि आपका भी नाम रोशन हो। मोदी जी भी एक किसी के बेटे ही है, पैदा तो वो भी हुए हैं ना किसी की माँ की कोख से, तो आप उस माँ का दर्द समझो और जानो। और मोदी जी से बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे को ढूंढ के लेके आओ। अबे डेबिट नहीं, डेब्यू हो रहा है। सॉन्ग को पहले डेबिट कर दिया तूने। क्योंकि बम्बई या लैंग्वेज हर बार सुपर हिट होती है बाबा। कॉलर पकड़े झटका दे, कान के नीचे फटका दे, और ले को पूछे में अटका दे, दो चार को तू टपका दे, समझा कि नहीं? कोई कुछ बोले टपका डाल दे। सर ये गाने की मतलब थॉट्स कभी आए, मतलब ये गाना भी बन सकता? यार मेरे को थॉट्स कभी नहीं आते, ख्याल आते हैं। थॉट्स क्या होता है यार? ख्याल होते हैं, और ख्याल मुझे आया, शादाब सिद्दीकी ने मुझे जगाया, म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ ने मुझे बहुत बोला कि यार भाई एक महीने से इन लोग पीछे भाग रहे, ले भाग रहे, लाया जिसने, शादाब ने बोला मैं लटक ही जाऊँगा, तुमको लेके ही जाऊँगा। देखो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि टैलेंटेड डायरेक्टर है, हमें पसंद भी है, वो वीडियो बनाएंगे। एक बहुत दिन हो गया, अभी हनी सिंह ये वो सब बेचारे चले गए, बादशाह भी गया ना बेटा। अच्छा हाँ, नाश्ता पानी करके ली या चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, एक नंबर, रैप अपुन ऐसे करे सब बजाते तालियां, रैपिंग में अपुन ने बादशाह को खा लिया, अपुन भी होते अमीर ना होता चोर मालिया, एक नंबर।